चिलोखर महिला मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त हमीरपुर द्वे श्वेता वणिक से कुठेड़ा से चेड़िया बाया री बलाना चिलोखर सड़क मार्ग की दुर्दशा को लेकर मिला। ग्रामीणों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने पक्की सड़क को ये कहकर उखाड़ दिया कि इसकी चौड़ाई कम है। उक्त सड़क मार्ग का करीब 8 करोड़ रुपए का ठेका उत्तर प्रदेश की कंपनी को दिया गया है, जो कि सड़क में बजरी डालकर भाग गई है। ऐसे में ग्रामीणों को धूल के चलते खासी दिक्कतें हो रही हैं। लोग चाहकर भी घरों के बाहर कपड़े सूखने नहीं डाल पा रहे हैं। यही नहीं, घरों के ऊपर भी धूल मिट्टी जम रही है। खेतों में उगाई गई सब्जियों व पशुओं का बुरा हाल है। इसके अलावा सांस से संबंधित रोगियों का भी बुरा हाल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पीडब्ल्यूडी विभाग को लगातार समस्या से अवगत करवा रहे हैं, लेकिन आज तक समस्या का कोई हल नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उक्त सड़क मार्ग में दिन में 2 या 3 बार पानी का छिड़काव किया जाए, या फिर सड़क को जल्द से जल्द पक्का करवाया जाए, नहीं तो वे मजबूरन आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। देई दनोन के पूर्व प्रधान रंजन ने कहा कि उपायुक्त हमीरपुर से मुलाकात करने उनके कार्यालय पहुंचे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार समस्या से अवगत होने के बावजूद आज तक इस समस्या को हल नहीं कर पाया है, जिस कारण अब उन्हें उपायुक्त कार्यालय में पहुंचना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उक्त सड़क मार्ग में दिन में 2 से 3 बार पानी का छिड़काव किया जाए, या फिर सड़क को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। हम लोग डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर में ये ऑफिस में मिलने के लिए आए अपनी समस्याओं को लेके। हमारे लगभग 12 लोगों का डेलीगेशन है, ये आने को तो सैकड़ों लोग या हजारों लोग बल्कि समस्या से आहत हैं, जो हम समस्या उठाने जा रहे हैं। ये लोक निर्माण विभाग द्वारा कुठेड़ा से लेके तेरिया तक वाया री बलाना चिलोखर होके जो सड़क जाती है, उसका अपवर्धन कार्य शुरू किया गया है लगभग 1.5-2 साल पहले। और ये हमारे जो लोग इकट्ठे हुए हैं समस्या को लेकर जो आए हैं आपके बीच में, ये महिला मंडल चिलोखर है, ग्राम सुधार सभा चिलोखर के जिम्मेवार आदमी आपके बीच में खड़े हैं। ये अपनी जो पुरानी सड़क बनी थी वो मतलब कम छोटी थी थोड़ी, है ना, उसकी जो चौड़ाई थी वो कम थी, उसको अपग्रेडेशन का जो काम चल रहा था वो पक्की सड़क को उखाड़ के बजरी है जो भी प्रोसेस है वो सारी वो कर रहे हैं अपने तरीके से। लेकिन ये लगभग 2 साल से जो काम चला हुआ, जिसका लगभग ये हमारे जो ध्यान में आया कि 8-1 करोड़ का ठेका हुआ है, कोई किसी उत्तर प्रदेश की कंपनी को ठेका दिया, और वो ठेकेदार ऐसा बोलते हैं जब भी हम पूछते हैं कि काम कब होना, बोलते ठेकेदार भाग गया है। तो हम अपनी समस्याओं को लेकर ये आए हैं कि लोगों के घर सड़कों के किनारे हैं, वो जो पत्थर गाड़ियों के टायर से स्लिप करके घरों में वो रोज़ रोज़ उनकी दुर्घटनाएँ हो रही हैं। इतनी धूल मिट्टी जमा होती है घरों के पास, लोगों का जीना मुश्किल हो गया, बीमारियों का वो, सर्दियों का मौसम है, बारिश हो नहीं रही है, तो वो जो सांस की संबंधी बुजुर्गों को मुश्किलें आ रही हैं, तो लोग मतलब बड़े अपने उसमें गुस्से में हैं। और अगर ये समस्या का समाधान नहीं किया गया तो लोग इस चीज़ को सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं। वो वहाँ पर जाम लगाने की बात कर रहे थे, तो हमने ये डिसाइड किया सबने मिल के कि माननीय उपायुक्त महोदय के ऑफिस में अपनी बात को रखते हैं। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, लोक निर्माण विभाग हमारी बात नहीं सुनता है, तो ये जेई को हम लगातार फ़ोन करते हैं, वो हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते किसी का भी। तो हमें मुश्किल का पता तो चले कब क्या पक्का होना, उसमें पानी कुछ डाला जाए रोजाना तौर पर, उसको टायरिंग करी जाए। दिसंबर महीना आने को हो गया, अब दिसंबर महीने में टायरिंग करेंगे तो वो टायरिंग उखड़ जानी, तो सरकार का पैसा हमारे लोगों के टैक्स का ही पैसा है अल्टीमेटली, वो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कमीशनखोरी के चक्कर में बाहरी कंपनियों को ठेके देते, टाइमली वो काम पूरा नहीं करते। बोला था पिछले साल अगस्त में पूरा हो जाना, अगस्त 1-2 साल वैसे ऊपर हो गया। तो हमारी मांग ये है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, वरना लोग सड़कों पे उतरेंगे विरोध करने के, उसमें मतलब पूरा हो गया, सारा माहौल खराब हो रहा है, घरों का माहौल खराब है, हमारी सब्जियों का, खेतों का, पशुओं का, घरों जो आदमी रह रहे घरों में उनका सबका हाल बेहाल है, तो उसको ठीक किया जाए। प्रशासन DC साहब इसकी वो लें, स्वयं संज्ञान लें, उसको काम को जल्दी करवाएं। कपड़े सुखाने में तो कपड़े कटाएं सड़े सुखाई दिया ही जाएंगे, कने माल पशुआ ने बुरिया की फिर मकान ने बुरिया रंग कराया है, ब्याह शादी रंग कराया सन जितने धुंडे धुंड हो गए, क्या फायदा दिया रंग कराने का। इस करके भाई हमने सड़क कराई है, पहले पक्की सड़क ही सर खुआड़ी ने रखी थी, कने हूँ शायद काम नहीं हुआ कि सड़क का, कने नहीं हुआ था फिर सारे इकट्ठे होने के लिए हाँ ये करना भाई सड़क च नहीं जिन्नी पक्की हो सकती, कहीं पानी दिना दे चलो भाई नहीं पक्की हो तो पानी छिड़का ना जो सड़क से दिना 2-3 बारी पानी छिड़के तो चलो धूड़ बैठी आ गई, मान लो घर माल आंदा घर सारे सारे धूड़ी ने भरोए